happy to come here because it's for a good cause. The event is for a good cause, and Sandeep's team has trained me for some of the work that I have done. तो फिनाले के विनर को अवार्ड देने आया हूँ मैं. सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो हु इट इज़. और डांस तो हम सब पसंद करते ही हैं, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ बॉलीवुड, बट बिकॉज इट्स सो थेरेप्यूटिक. एंड संदीप हैज़ प्रमोटेड डांस ऑल द टाइम. सो आई जस्ट फील लाइक आई एम इनकरेजिंग न्यू टैलेंट, यंगर टैलेंट. एंड इट्स डांस वीक, इट्स इंटरनेशनल डांस वीक, राइट? सो दैट्स द मेन मोडस ऑपरांडी. सो जस्ट हियर टू इनकरेज. Well, that's the reason why I'm here. It's to raise funds for children who are Down syndrome. With Down syndrome, yes. And the more we do, the better it is. And I think jis zamane mein hum rehte hain, we have to be more compassionate, we have to be more altruistic and not just think about ourselves, which is why I'm here on a Sunday night, which is why you all are here on a Sunday night. So let's just cheer for the winner and let's just keep our fingers crossed that everyone gets their due. Just tell him what Tusharji is here and he's also learned to dance from. बस तुषार जी जो हैं वो बहुत टैलेंटेड डांसर हैं, आप लोग सब जानते हैं, हम सब ने देखा है उनको सिल्वर स्क्रीन पे डांस करते हुए, और रियल लाइफ में बहुत अच्छा डांस करते हैं. सो आई एम थैंकफुल टू यू सर, आप यहाँ पे आए हम सबको एनकरेज करने के लिए. इट फील्स एब्सोल्युटली वंडरफुल. हमारे साथ जो कॉज जुड़ी हुई है डांस के साथ, दैट इज़ व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो डांसर होता है वो लोगों को जोड़ता है, बांधता है, एंड डांस का वही जलवा है जो लोगों को साथ में मिला के लाता है. और जहाँ पे अगर साथ में कंपैशन जुड़ा हो, लोगों के साथ में मिला मेल जोल जुड़ा हो, वो डांस हमेशा निखर के बाहर आता है. दैट्स व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग टुडे. सर आपके जो पापा हैं एक डांस आइकॉन माने जाते हैं, मतलब जितेंद्र की फिल्म में अगर डांस नहीं है तो कुछ नहीं है, तो आप कितना डांस को आप कुछ करते हैं, डांस वगैरह पापा ने सिखाई थी वगैरह? वेल उनकी स्टाइल में बहुत अलग चीज़ें हुआ करती थी, वो उनका अपना स्टाइल था. और आज का ज़माना अलग है, जो प्रीवियस बॉलीवुड स्टाइल और मॉडर्न बॉलीवुड स्टाइल को मिलाकर हम लोग एक अलग ही खिचड़ी बनाते हैं और लोगों के सामने लाते हैं. सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू जो आज हम करते हैं. बट ही इज़ अ लेजेंड एज फार एज डांस मूवीज़ आर कंसर्नड, एज फार एज फिल्म सॉन्ग्स आर कंसर्नड. तो उनकी फिल्में देखकर ही तो सीखा है मैंने, बचपन से उनकी फिल्में ही देखी है. एंड बहुत फिल्मी बच्चा था मैं, आई यूज़ टू लव वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म्स. सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल्सो आई एम हियर, आई मीन टू प्रमोट आर इंडस्ट्री, टू प्रमोट डांस, जो कभी कभी आजकल हम देखते हैं फिल्मों में, लेकिन ज़्यादातर आई थिंक थोड़ा कम हो गया है फिल्मों में. काइंड ऑफ रिमूव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम द नैरेटिव ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ फिल्म्स, विच इज़ नॉट गुड. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ आर कल्चर, इट्स पार्ट ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री, और गानों को हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए. वो उनका स्टाइल था और एक ट्रेडमार्क बन गया था उनके साथ, एंड पीपल लाइक्ड हिम फॉर इट. उसके बाद तो बहुत सारे एक्टर्स ने उनको फॉलो भी किया है, बट आई थिंक जिस तरीके से वो अपने स्टाइल को कैरी करते थे बहुत कम कर पाए हैं. एंड यू कैन नेवर कॉपी समवन, आई थिंक व्हाट इज ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल. यस यस, देर आर मेनी इन द पाइपलाइन विच आई एम अलाउड टू टॉक अबाउट. एंड गोलमाल 5 also, I don't know कब बनेगी, लेकिन बनेगी ज़रूर. सो यू कैन आस्क द प्रोड्यूसर दैट. बट अदर देन दैट, लॉट्स ऑफ स्टफ हैपनिंग ऑन OTT also, विच इज़ गोइंग टू कम, गोइंग टू स्टार्ट, एंड होपफुली वील हैव मोर मूवीज़ बैक इन द सिनेमाज. अभी तो खुल गया है सब कुछ, सो वी वुड लव टू हैव मोर मूवीज़ बैक इन द सिनेमाज. नहीं, आई एम जस्ट कमिंग टू विश एंड अवार्ड द विनर. यस, डांस की अगर बात करें, आप जज करते हैं, सिखाते हैं, आप बहुत पुराने हैं, जितु जी का कौन सा ऐसा डांस है जो आपको सबसे ज़्यादा दिल के करीब है? ढल गया दिन खो गई रात, आई थिंक इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल. जिस तरह से कोरियोग्राफर्स ने और सर ने मिलकर के एक स्पोर्ट के साथ में डांस को जोड़ा था, आई थिंक वो इतना अच्छा गाना बन के बाहर आया कि हम कोरियोग्राफर्स लोग जो है ना, हमको हम लोग जब सीखते हैं कोरियोग्राफी, तो कुछ गाने हम लोगों को बताए जाते हैं कि इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और आर्टिस्ट किस तरह से करते हैं वो देखिएगा. और हमें वो गाना सिखाया गया था किस तरह से आप खेल को नाच के साथ मिला करके ला सकते हैं. और हिंदुस्तान जो है वो दो चीज़ों के प्रसिद्ध है, एक स्पोर्ट्स और एक डांस,
और वो दोनों मिल जाए साथ में तो क्या कमाल होता है। कोई मिला आपको, मौका मिला आपको साथ में? डांस करने का बिल्कुल नहीं मिला, मिलने का मौका ज़रूर मिला है हेमा जी के यहाँ जब भी मैं गया था, मेरी मुलाकात सर से बहुत बार हुई है एंड आई फील प्रिविलेज थी मुझे उनसे मिलने का मौका मिला बिकॉज इज डांस आईकॉन, सर के फादर हैं और मेरे लिए डांस आईकॉन है वो, तो मेरे तो हमारे देश के डांस आईकॉन है, सो इट्स अ प्रिविलेज व्हेन वी मीट पीपल लाइक हिम। नहीं बिल्कुल नहीं मेरी बात कहें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज संदीप नॉट ओनली ही इज़ अ ब्यूटिफुल डांसर बट ही इज़ ऑल्सो अ वेरी एनकरेजिंग टीचर, सो आई फील इट्स ऑलवेज गुड टू बी अराउंड हिम एंड वॉट एवर ही इज बीन डूइंग एंड टुडे जो कॉज के लिए ये पूरा यू नो हो रहा है फॉर डाउन सिंड्रोम एंड फ्लावर वेस्ट जितना भी जो कुछ हो रहा है वी आर रियली हैप्पी दैट आई एम हियर टू सपोर्ट इन एनी वे आई कैन, सो दैट्स अबाउट इट। संदीप मेरा बहुत पुराना दोस्त है एंड इन्होंने कहा ही सब दुनिया जानता है कि वो बहुत अच्छा डांसर है और बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारे बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है। संदीप ने अकेला करके बहुत लोगों को सिखाया है, बड़े बड़े जो बॉलीवुड में नाम है उनका टीचर है, उनके डांस के पीछे संदीप सोपरकर का हाथ है और इतने बड़े दिन में जहाँ पे डांस डे हम लोग मना रहे हैं, मतलब जन्मदिन है डांस का, तो हम लोग सब केक काटने के लिए आए हैं और खाएंगे, आप भी खाओ और आज धूमधाम से शाम को मनाएंगे और खुशी खुशी घर जाएंगे और याद रखेंगे आज के दिन को और संदीप सपोरकर को अगले साल भी सपोर्ट करने के लिए आएंगे। ये कुछ टीचर रह चुकी है, स्टूडेंट रह चुकी है संदीप की। संदीप जी के पास में मैंने बहुत साल डांस सीखा है और वो तो बॉलीवुड सालसा लैटिन फर्स्ट पर्सन थे जो लाए थे इंडिया में बॉम्बे में, सो वेरी आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिज ब्यूटीफुल डांस मूव्स एंड इट्स वर्ल्ड डांस डे, एवरीबॉडी शुड डांस आई फील इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेस, इतना टेंशन है सबको, थोड़ा डांस करना चाहिए, खुशियाँ बांटना चाहिए और डांस के लिए एक अलग से दिन डेडिकेट हो गया है और उसमें अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम कोई एसोसिएट करेगा तो इट्स द बेस्ट थिंग आई फील, सो वी शुड ऑल सपोर्ट इट एंड लाइक ही सेड वी कम अगेन नेक्स्ट ईयर टू सपोर्ट दिस ब्यूटिफुल प्रोग्राम। वो डांसर ही नहीं है जैसा कि मेरी वाइफ ने कहा कि वो एक कमाल के टीचर भी हैं, सो हम बहुत एक्साइटेड हैं आज जो टैलेंट यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं और स्पेशली कि इतने कमाल के कॉज के लिए संदीप ये कर रहे हैं और हर साल एक कॉज जुड़ा होता है इनके इस डांस के ग्रैंड फिनाले से, सो आई एम रियली एक्साइटेड कॉज को वो सपोर्ट कर रहे हैं और कमाल के टीचर नहीं और डांस के तो लोगों के बीच में फैला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, सो ऑल द बेस्ट टू हिम। बिल्कुल करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली टेल कंग्रेचुलेशन टू संदीप सपाकर सर बिकॉज इट इज़ रियली अ गुड कॉज ही इज टेकन आउट फॉर, देर आर टू कॉजेज विच ही इज सपोर्टिंग फॉर, वन इज डाउन सिंड्रोम एंड रिसाइकल फ्लावर वेस्ट, सो ये सीजन 7 है और उनको ऑल द बेस्ट इतना ही कहना चाहते हैं और सीजन्स आते रहना चाहिए हर साल, वेरी गुड कॉज इज टेकन फॉर एंड स्पेशली ऑन द डांस प्लेटफॉर्म। संदीप का ये 7th ईयर है डांस वीक का और मेरा उनके साथ ये 2nd ईयर है, पिछले साल वी ऑल कनेक्टेड वी डांस ऑन वर्ल्ड डांस डे फॉर संदीप लास्ट ईयर एंड दिस ईयर अगेन वी आर टुगेदर और आई थिंक अब हर साल मिलते ही रहेंगे हम फिर से और डांस करने में सबको मजा आता है, वी आर हियर टू जज द पीपल द किड्स विद डाउन सिंड्रोम एंड ऑल, तो बस यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है एंड वी विश कि हर साल हम वापस इसी तरह मिलें और डांस करें साथ में। ये मेरा दिस इज़ द 3rd सीजन दैट आई एम गोना बी होस्टिंग इंडिया डांस वीक, आई हैव होस्टेड 2 सीजन्स बिफोर एंड आई फील सो ऑनर्ड दैट एवरी टाइम संदीप सर ही ट्रस्ट्स मी विथ हिज इवेंट्स एंड ही ट्रस्ट्स मी विथ हिज शोज एंड इस साल 2 कॉजेस है दैट वी गॉटन बिहाइंड, एक तो डाउन सिंड्रोम पेरेंट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम फॉर जो नाम है और एक आवा कायम विच इज़ फ्लावर वेस्ट रिसाइकलिंग, सो आई थिंक दीज 2 कॉजेज आर फैबुलस एंड समबडी हैड टू गेट बिहाइंड दीज एंड आई एम हैप्पी दैट इंडिया डांस वीक इंडिया फाइनेंस काउंसिल एंड संदीप सुपारकर सर हैव टेकन अप दिस इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग। सबसे पहले लाइक जब हम हैप्पी होते हैं या जब हम सैड होते हैं तो एक डांस एक अलग एनर्जी एक अलग फीलिंग वो आती है और वो एनर्जी मुझे अभी
बराबर सभी में दिख रहा है, लाइक सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो डांस बहुत ही अलग से एनर्जी होती है अंदर से इंसान को, ये होता है। तो मैं इनको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ संदीप जी को, एंड आई एंजॉय द इवनिंग विद ऑल यू गाइस। या शो अभी भी बाकी है। This is our seventh year for doing this festival. This festival is a combination of multiple things. It's for a cause, it's a platform for young aspirational dancers to come and explore, give their best and get a chance to win and get a recognition. So all in all, it's a great platform promoting art, culture, and we at Phoenix Group, as a Phoenix Group, we always promote art, culture within our premises and as a brand also. So I think thanks to Sandeep for putting this forward for us and curating this wonderful festival every year during the India Dance Week. So today is the International Dance Day, so this is celebrated for the weekend promoting the festival and the International Dance Day. Sandeep always curates such lovely dance festivals, so I'm very happy to be a part of it right now. And I'm looking forward to watching all the dancers perform, and especially this particular thing right now is for a cause, of course. It's for parents of Down syndrome. So yeah, it's a beautiful cause, and I'm so glad he's spreading awareness about this. So yeah. Yeah, I've always said there are artists and then there are stars, and I think I've always looked at Sandeep as an artist, and I always turn up to support artists. And POD, which is Parents of Down Syndrome, that Manjri mentioned, is a very appropriate cause, a cause which I support wholeheartedly. And also, there is another NGO involved, if I'm not mistaken, that recycles flowers. Flowers, yes. Which is a very noble and a very thoughtful initiative. So, dance is a huge love. Yesterday was, as sir said, International Dance Day, and he's celebrating it over the whole weekend. So, we are really happy to be here, celebrate something which is positive, progressive, and supporting a cause that makes everyone's life better. Sorry? I'm looking forward to seeing everything. Watching everyone. Yeah. Watching everything. Oh! Arey nahi yaar. There'll be some incredible dancers there. Yeah. Hame unse choreography seekhni hogi, fir hum dance karenge. And we'll be just enjoying watching them perform. Yeah. What Sandeep bhai has been doing for a number of years is phenomenal. आप ये मान के चलो अपने इस वतन में हिंदुस्तान में तकलीफें बहुत हैं, हर बार वो दो या तीन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, इट्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। संदीप भाई जैसे लोग अगर हर चीज़ को लेके आगे बढ़ें, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब अगर आगे बढ़ के चलेंगे तो कुछ ना कुछ देश के हित में और बेहतर कर पाएंगे। इट्स अ बिगनिंग टूवर्ड्स अ बेटर टुमारो for the country like India. Thank you so much. आप लोगों ने मेरा इतने प्यार से स्वागत किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि संदीप इज़ वेरी टैलेंटेड परफॉर्मर, और वो हर साल करते आए हैं। मुझे लगता है कि वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। आल्सो एक कल्चर को, एक डांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एज ए कथक परफॉर्मर आई एम फीलिंग सो गुड टू बी हियर। मुझे लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है एक परफॉर्मर के लिए। जो संदीप कर रहे हैं वो बहुत बहुत सराहनीय है। हाँ, मेरी भी डांस परफॉर्मेंस है आज, बिकॉज आज डांस डे है,
जब मुझे बोला गया डांस परफॉर्मेंस के लिए तो फिर मैं ऑब्वियसली बहुत सुपर एक्साइटेड थी, मना नहीं कर पाई, तो यस आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ। मैं हरीश मेहता हूं और इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट हूं। वी आर वन ऑफ द प्रेजेंटर ऑफ इंडिया डांस वीक 7 सीजन 7। ये हमारा चौथा साल है संदीप भाई के साथ और हमेशा संदीप सर एक इंटरनेशनल डांस गुरु है और ये कल ये बहुत ही अच्छा मौका मिला हमको। कल इंटरनेशनल डांस डे था और संदीप दिवाई जैसे इंटरनेशनल डांस गुरु के साथ मौका मिला हमको वहाँ रहने का कल, और ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा। जब भी चाहेंगे, जब भी संदीप भाई चाहेंगे इंडिया डांस वीक के लिए, हमारा इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल हमेशा उनके लिए तैयार रहेगा और एक बेहतरीन डांसर है, उनके साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले तो संदीप जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और संदीप जी जो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु हैं और समाज के लिए जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतने लोगों को प्रमोट करते हैं वो, तो इसके लिए बड़ा मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनका। और सबसे ज़्यादा कल के कार्यक्रम में मैं जब था कार्यक्रम में तो संदीप जी के बारे में जब भी हम मिलते हैं तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब भी फ़ोन करते हैं तो अगर बात करें तो फ़ोन पे, मतलब बहुत ही अच्छे मूड के व्यक्ति हैं। कल उनका जो अभिनय था, एक संगीत नाट्य था कल, उस पर उनका जो मैं एक निगेटिव रोल देखा, जो अभिनय उनका था, सारे हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक सवा घंटे का जो उनका ड्रामा था कल का, सारे लोग एक व्यक्ति उठा नहीं था। वो बड़ी मतलब एक्टिंग की, अभिनय की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में बड़ी बात होती है कि डेढ़ घंटे का संगीतमय कार्यक्रम और कोई व्यक्ति ना उठे, ये उनकी सफलता का राज है। एक बहुत ही व्यक्ति कुशल व्यक्ति हैं वो और समाज के अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मित्र इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट हरीश मेहता जी को बधाई। मैं भी इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जुड़ा हूँ और मैं कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर फिल्म सोने के रूप में जुड़ा हूँ और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यू आस्किंग मी, आई थिंक इट्स कमेंडेबल दैट what Sandeep is doing with every season and especially this season, because I'm here and I got to know it, is to in support of the parents of children with Down syndrome. So it's a great initiative, because if we don't have an inclusive society, there's never going to be growth in a nation, and this inclusivity is what is required for every genre, I mean every kind of person, whether they are differently able or they are as, I mean, like as any other common person. For me, if the question is the same, then I would say that first of all, I'd like to wish everybody happy International Dance Day. Secondly, this is a very important event, it's a very important festival, because it is not only for the Down syndrome people, it is also for the recycling of flower waste, which I've been noticing in Mumbai for a very long time, and I've been seeing that in temples and in funerals and good occasions, weddings, a lot of flowers are wasted and thrown away into the sea, which pollutes the ocean as well. So for me, recycling of flower waste is very important. And the syndrome, the Down syndrome, which is kind of becoming quite common. My heart goes off to the parents, and I'm with them. And if there's any occasion where I'd like to come and help, I'll be the first one to do that. Right, Konika? And now, Rekha. Thank you so much, sabko. Main hoon Pooja Sharma. Dance ke bare mein main bolenge. Dance meri ek sapna hai, God gift. डांस एक दवाई की तरह, डांस तुम मन से करोगे तो तुमको कोई बीमारी टच नहीं कर पाएंगे। डांस जो आते हैं वो भगवान से ऊपर से आते हैं, स्वार्थ से आते हैं। जो फैमिली में डांसर है, एक डांसर बहुत अच्छा स्टूडेंट हो सकता है,
जो डांसर हैं वो कोई नेगेटिव रोड पे नहीं जाते। बहुत सारे लोग हैं जो डांस को कोई नेगेटिव सोच में देखते हैं, जैसे मैं, आप लोग जानते हैं मेरे बारे में, मैं, मुझे इंटरनेशनल लोग जानते हैं, मैं लोकल ट्रेन में डांस करती हूँ क्योंकि डांस को मैं पूजा करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, समीर संदीप दादा मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं भी उनको बहुत इज्जत करती हूँ और थैंक यू सो मच इतना बड़ा शो में मेरे जैसे इंसान को बुलाए। मैं दिल से दुआ देता हूँ, आप लोग को पता है मैं जहाँ जाती हूँ ब्लेसिंग के लिए जाती हूँ, मैं ये शो के लिए दिल से दुआ, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं शायद अभी नहीं बोलेंगे, आप लोग देखो।